सब तो पिछे सारे सूबियां विचों सब तो पिछे हिंद अपनी अपना सूबा है पंजाब, क्योंकि पंजाब की सरकार, पंजाब का मुख्यमंत्री, पंजाब के MLA अपनी कुर्सी बचाने लगे है, सरकार बचाने लगे है। उन्हां दा निशाना पंजाब नहीं, पंजाब दा गरीब नहीं, करोना दी बीमारी नूं लड़ाई लड़ना नहीं, उन्हां दा इक्को एक कम है कि मंत्री अपनी कुर्सी ते जाणा, मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी ते बचाउण ते लग्गिआ। ऐस करके जिन्ने 6 महीने रह गए सरकार दे, जिन्ने दिन हुण टप्पणगे, इन्हां कांग्रेसियां ने लुटना ही है। ते मैं उन्हां नूं इक बेनती करना चाहुंदा, जो इन्होंने घपले किए, हर घपले की जांच होगी, मैं तुम्हें अच्छ गरंटी देना। तो जेड़े इन्ह लुटे है, एक एक पैसा इन्हें वसूल करके इन्हों जेल भेजा जाऊगा कि इन्ना गंद पाया। अज हालात की है मैं तुम्हें अच्छ दसा, बिजली किसान सारे जिले मैं खबर आई है, ट्यूबवैलों मसा 4 घंटे 5 घंटे बिजली आ रही है, वो भी टुट टुट के आ रही है। नहरी पानी आ तुसी बार्डर दे मानसा तो लैके फिरोजपुर तक चले जाओ, नहरी पानी है नहीं, बंद करी बैठे है। ऐजा माड़ा हाल है, लोग अपनी फसल नहीं बेच सकते, बीज रहे, झोने की लगाई चल रही है पर कर नहीं सकते, क्योंकि ना कोई मुख्यमंत्री तो फिक्र ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, पानी मोगियां है कि नहीं, मुख्यमंत्री पता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि हो की रहा है। वह तो कला हूँ खुश करने लग गया पंजाब की, अपने गांधी परिवार को रोज उन्होंने लिख देंगे आ कम करने हैं। तो इस करके मैं आज जरा थोड़े को आया, मैं बधाई देन आया थोड़ी खरड़ म्यूनसिपल कमेटी दी प्रधान जसप्रीत कौर लौंगिया जी बनाए गए हैं, गिल साहब जो इतों के साडे सेवादार है, मुख्य सेवादार है, इन्होंने बधाई देना चाहना, सारे MCA बधाई देना चाहना। देखो कांग्रेस ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने, कांग्रेस के MLA ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरा जोर लाया MCA तोड़ते, हर किस्म का साधन वरत्या, धमकाया भी, पुलिस ने भी वरत्या, लालच भी दी। मेरा सिर झुकता MCA चरणा जिन्होंने अपना श्रोमणी अकाली दल झंडा बरकरार खड़ा रखा। मैं जथेबंदी का भी धन्यवाद करना चाहना, जिन्होंने जथेबंदी ने भी पूरा कट्ठे होके लड़ाई लड़ी, 3 महीने हो गए लगातार जद्दोजहद चलती रही, पर अपने सूरमे डट के रहे। मैं सारे बधाई देना चाहना, मैं इन्ना अज ऐलान करना चाहना, नवी कमेटी बनी है, 6 महीने बाद सरकार बन जानी है। जिमें असी अपने मोहाली खूबसूरत बनाया, उस पद्धर से खरड़ नूं उस लैवल से, खरड़, न्यू चंडीगढ़, मोहाली नूं, मैं तुहानूं इन्ना दसना सरकार बन दे बाद चंडीगढ़ तो बेहतर बना देंगे सारे शहर, ऐ जी डिवेलपमेंट होगी। इत्थे मैनूं गिल साहब ने 3-4 गल्लां दा जिक्र कीता सी, एक इत्थे पानी की बड़ी कमी है, जे जिहड़े अपने उत्थों आना अपने कंजौली वाटर वर्क्स, तो वह पानी की असी मंजूरी एकदम सरकार बंद देवांगे, नाले उत्थे सिविल हॉस्पिटल की लोड़ है, इतने मिल लगता बस स्टैंड तो स्टेडियम, आ सारिया चीज़ा गिल साहब जो सरकार बनी तुम आप ही आ जाओ। मैं तो आप थोनू पता ही है मेरा बड़ा शौक है इस इलाके डिवेलप कर, जो तुम चीज़ा देखिया अपनी सरकार के टाइम देखिए, नहीं तो बहुत बुरा हाल हों, इतने सड़कों का की हाल से, सिंगल लेन सड़क से, बिजली नहीं आती सी, छोटी छोटी गलियां सी, सारी डिवेलपमेंट जिनी मोहाली तो लेके खरड़ तो लेके फ्लाईओवर तो लेके सड़क बनिया अपने समय तक बनिया सी, श्रोमणी अकाली दल सरकार दे नाल बनिया सी। ते हुण तां समां परमात्मा दे, जनता पंजाब दी मौका दे, बहुत वड्डे लैवल ते असीं डिवेलप करांगे इस इलाके नूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल SIT वल्लों तुहानूं बुलाया गया जी, की तुसीं पेश हो रहे हो पक्का? झूठ ते झूठ है, सच ते सच है। इन्होंने हाई कॉनरेबल हाई कोर्ट ने इन्हों शीशे वांगू दिखाता कि 4.5 साल पुरानी SIT ने किवें कीते है, किवें लोगों नूं गुमराह किया, सरकारी पैसा खर्च के दोषियों नूं नहीं फड़न वास्ते लगे बनाई सी, वह तो कल्ले श्रोमणी अकाली दल बदनाम करने की कीती, हुण नवीं SIT ने भी उही काम किया, SIT नूं आई जिम्मेवारी दित्ती है, हुण
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ ਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਇੰਚਾਰਜ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਅਤੇ ਉੱਪਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸ ਆਈ ਟੀ ਦੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਨਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।